दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि गो डैडी से आप लोग कैसे डोमेन अपना कोई भी डोमेन परचेज करेंगे, कैसे डोमेन आप लोगों को ख़रीदना है, परचेज करना है, कंप्लीट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित यादव, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोह पे। दोस्तों चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे आप लोग को डोमेन परचेज करना है। देखिए गो डैडी से आप लोगों को डोमेन नेम परचेज करने के लिए सिंपल सा हम यहाँ पे डोमेन नेम ही सर्च कर लेते हैं। देखिए पहले नंबर पे ही आ गया www.godaddy.com। सिंपल सा क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, जो भी आप डोमेन नेम परचेज करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए हमने डोमेन पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे डोमेन नेम सर्च पे आपको क्लिक कर देना है, अगर यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आ रहा था तो ठीक है। यहाँ पे इंटर योर बेस्ट डोमेन, अपना URL सर्च करना है कि क्या कौन सा डोमेन आपको परचेज करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम परचेज करने वाले हैं, देखिए सिविल स्टडी IQ.com, यहाँ पे हमने .com लगा दिया ताकि .com वाला आ जाए। यहाँ पे देखिए हम ये सर्च करेंगे, ये यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पे सर्चिंग हो रहा था। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट मैच है, यहाँ पे देखिए सिविल स्टडी IQ.com, यहाँ पे 499 रुपये, यानी ये अवेलेबल है ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉपुलर इन इंडिया, इंडिया में जो पॉपुलर है देखिए सिविल स्टडी IQ.in करके है। तो यहाँ पे ये 149 रुपये का है, ये 499 रुपये का। अब जो परचेज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम ऑलरेडी ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे हमने क्लिक कर रखा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कंटिन्यू टू कार्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम अभी सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा यही पिन ऐड टू कार्ड, तो वहाँ पे आपको सिंपल सा क्या करना होगा, ऐड टू कार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए हम कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आपको प्रोटेक्शन अगर आपको लेना है, फुल डोमेन प्रोटेक्शन 299 रुपये पर ईयर करके अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अल्टीमेट डोमेन प्रोटेक्शन भी है, इसमें जो आप लेना चाहते हैं ले, नहीं तो आप क्या करेंगे, नो थैंक्स पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, तो यहाँ पे फ्री में वेबसाइट स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप क्या करेंगे, अभी इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल ईमेल आईडी कह रहा है कि हम नो, यहाँ पे नो थैंक्स कर देंगे कि हम प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं ले रहे हैं। इसलिए हम नहीं ले रहे हैं कि अभी हम शेयर होस्टिंग परचेज करेंगे, जब वेबसाइट हम डिजाइन करेंगे तो उस पे वहां पे हमको प्रोफेशनल ईमेल आईडी एक आध दो क्रिएट करने को मिल जाता है। और डोमेन नेम आपको किस वेबसाइट से परचेज करना चाहिए इस पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। देखिए यहाँ पे सर्च क्या करेंगे यूट्यूब में, डोमेन नेम कहाँ से खरीदे, टेक्निकल मोह आगे जरूर आप सर्च करें ताकि तभी हमारी वीडियो आपके सामने ये आ जाएगी, तो वहाँ से आप ये वॉच कर सकते हैं। उसके देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू टू कार्ट पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हम उस पर क्लिक किए आगे का प्रोसेस हो रहा है, आगे का प्रोसेस होने देते हैं। देखिए यहाँ पे पहले ईयर फर्स्ट ईयर में 499 रुपये का पड़ रहा है, अगर हम यही दो साल के लिए सर्च करेंगे तो ये ज़्यादा 1398 रुपये का पड़ेगा। तो अभी हम फर्स्ट ईयर के लिए ही परचेज कर रहे हैं, बाद में नहीं होगा तो हम इधर से उधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो लिख देना हाउ टू डोमेन ट्रांसफ़र टेक्निकल मोह, आगे ज़रूर आप सर्च करिएगा ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, देखिए यहाँ पे सब टोटल 499 रुपया यहाँ पे शो हो रहा है। आई एम रेडी टू पे, यहाँ पे कह रहा है यू सेव 600 रुपीज़, मतलब 600 रुपये हमने सेव किया है। यहाँ पे देखिए प्रोमो कोड अप्लाई, ये देखते हैं करते हैं, देखते हैं अप्लाई होता है कि नहीं। यहाँ पे प्रोमो कोड ऑलरेडी अप्लाइड है इसलिए हमें इतने कम रेट में पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे, आई एम रेडी टू पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा, देखिए यहाँ पे साइन इन का प्रोसेस आ रहा है। अब किसके थ्रू साइन इन होना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू विथ फेसबुक, कंटिन्यू विथ गूगल, कंटिन्यू विथ ईमेल, जिसके थ्रू आप होना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहां पे देखिए कंटिन्यू विथ हम गूगल कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहता है, ये आसान तरीका होता है। देखिए जैसे हम इस पे क्लिक किए, यहां पे हम अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी देखिए हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ईमेल आईडी जो हमारी ईमेल आईडी उसका पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमने फिलअप कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे मोबाइल पे आ रहा है कि यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए कि हम ही इसे लॉग इन कर रहे हैं, यहाँ पे यस इट मी पे हम सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा। देखिए आगे का प्रोसेस हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम लॉग इन हो चुके हैं, यहाँ पे 499 रुपये बिल दिखला रहा है, इसको हम पेमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए टू आइटम दिखला रहा है, यहाँ पे देखते हैं इस पे हम क्लिक करते हैं, देखते हैं कौन सा टू आइटम है। ऑल डोमेन कम विथ वेबसाइट बिल्डर, यहाँ पे दो दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बिलिंग
इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है, जो भी आपका रीजन मतलब कंट्री हो वो आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। जैसे कि अपने केस में हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी हो वो सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक आ गया है, आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना है। नीचे में स्क्रॉल करके चलेंगे, जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नोटिफाई मी ऑन व्हाट्सअप, हमें नोटिफिकेशन मतलब नोटिफाई मतलब इन्फॉर्मेशन दिया जाए व्हाट्सअप पे अबाउट किसके मतलब बारे में, रिन्यूअल्स एंड स्पेशल ऑफर्स, अगर हमको डोमेन नेम रिन्यूअल करना है उसको और स्पेशल ऑफर जो भी आए उसका हमें व्हाट्सअप पे नोटिफिकेशन जरूर दिया जाए। तो इस वाले चेकबॉक्स को फिलअप करेंगे, अदरवाइज आप इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। उसके देखिए यहाँ बिल्डिंग या सोसाइटी क्या है, जैसे कि हाउस नंबर वगैरह यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके यहाँ पे लैंडमार्क क्या है, यहाँ पे पूरा एड्रेस एक तरह से फिलअप करिएगा, फिर लैंडमार्क यहाँ फिलअप करिएगा, पोस्टल मतलब पोस्ट ऑफिस का पिन कोड एरिया पिन कोड क्या है वो यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना होगा। उसके यहाँ पे देखिए सिटी आपको फिलअप करना है, कौन सा सिटी है। उसके ऑर्गेनाइजेशन को क्या है वो यहाँ पे फिलअप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यहाँ पे फिलअप करिए, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे फिलअप करिए, अदरवाइज आप इसको भी छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल दोनों चीजें हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेव पे सिंपल सा क्लिक कर देना है। देखिए हमने यहाँ पे सारा डिटेल फिलअप कर लिया, अब हम क्या करेंगे सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हमने सेव पे क्लिक किया है, यहाँ पे पेमेंट मेथड आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए जीएसटी एंड फीस मिलाकर यहाँ पे देखिए ₹105 जीएसटी एंड फीस मिलाकर ₹604 का ये हमको पड़ रहा है, मतलब ₹105 हमको टैक्स भी यहाँ पे देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ₹499 का था लेकिन यहाँ पे ना कुछ टैक्स वगैरह मिलाकर ₹604 का पड़ रहा, तो फिर भी हम परचेस करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए हम यूपीआई के थ्रू करना चाहते हैं, सिंपल सा हम यूपीआई सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना वर्चुअल आईडी फिलअप करना है, यूपीआई आईडी जिसको बोलते हैं वही वर्चुअल आईडी होता है। चलिए हम वो फिलअप करके यहाँ पे रिव्यू ऑर्डर पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने वर्चुअल आईडी फिलअप कर लिया जो फोन पे का है, अब हम क्या करेंगे रिव्यू ऑर्डर पे सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। अब देखिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट परचेस पे अब हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर एडिट करना चाहते थे एडिट कर सकते हैं यूपीआई आईडी, नहीं तो आप कंप्लीट परचेस पे हम क्लिक करेंगे। हम आगे आप लोगों को इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी गोडैडी से, आप लोगों को होस्टिंग कैसे परचेस करना है, फिर डिजाइन कैसे करना है, सारी चीज़ों पर वीडियो आती रहेगी। यहाँ पे कंप्लीट परचेसिंग पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस होगा। देखिए आगे का प्रोसेस होने लगा है, थोड़े देर तक हम वेट करते हैं। यहाँ पे देखिए रिसिप्ट, यहाँ पर पेमेंट इज पेंडिंग अंटिल वी रिसीव कन्फर्मेशन ऑफ योर पेमेंट, वी सेल ईमेल यू वेन यू कैन स्टार्ट यूजिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारे फोन पे पे आया है, हम आप लोग को दिखला दें नोटिफिकेशन। यहाँ पे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोबाइल का भी कर लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें आप लोग को लाइव दिखे। देखिए यहाँ पे आ गया है इंटर टू व्यू मैनेज कॉन्टैक्ट, सिंपल सा हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पे करने के लिए आ रहा है, सिंपल सा हम पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जिस जो भी अकाउंट आपका होगा यहाँ पे शो होगा, सेंड पे हम सिंपल सा क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पिन नंबर डालेंगे अपना यूपीआई पिन जो अभी आप लोग को दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हम यहाँ पे डन का जो निशान बना रहा था उस पर हम क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग दिखला रहा है, तो जैसे पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया तो यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग को पेमेंट कर देना है। देखिए यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, हम थोड़ी देर तक वेट करते हैं। देखिए प्रिंट रिसिप्ट पे हम सिंपल सा क्लिक करते हैं, देखते हैं रिसिप्ट आया है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ऑर्डर, यहाँ पे अभी नो रिजल्ट यहाँ पे दिखला रहा है। सब्सक्रिप्शन में हम आते हैं, देखिए हो सकता है कि अभी टाइम लगे थोड़ा आप लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल होने में। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा यहाँ पे आपको ऑर्डर हिस्ट्री में आपका दिखाने लगेगा। देखिए अब हम 15 मिनट बाद दोबारा से हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे अमित कुमार करके आ रहा है, यहाँ पे कस्टमर आईडी वगैरह सारी चीज़ें हमारा शो होगा। यहाँ पे देखिए माय प्रोडक्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए आगे का प्रोसेस होगा। यहाँ पे देखिए नीचे हम स्क्रॉल करके चलते हैं, इस पे ना क्लिक करके हम इस पे क्लिक करते हैं बिलिंग रिन्यू एंड बिलिंग पे। सिंपल हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देखिए civilstudy.iq.com करके आ रहा है, जो 26/5/2023 को एक्सपायर होगा। ठीक है, एक साल के लिए हमने ये परचेज कर लिया है। इस तरीके से आप लोगों को अपनी अपना डोमेन नेम जो है वो परचेज करना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कैसे होस्टिंग परचेज करना है, उसके बाद आपको कैसे वेबसाइट सेटअप करना है, सारी चीजें हम बताएंगे। बाकी अगर आप लोग डोमेन परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर भी क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं, वहां से अपना डोमेन नेम सर्च करके परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग को परचेज करना हमने कंप्लीट जानकारी आप लोग को बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों ज्यादा से शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।